आज जो नया बजट लागू हो जाएगा 2 बजे, उस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या उम्मीदें रखते हो आप बजट से? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज का ये बजट स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो आम समझो गरीब लोगों की राहत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इससे पहले भी जो बजट आ गया, हमें उसे कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि आजकल जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ, आज का जो बजट होगा, जो भी इसमें लोग बात करेंगे, जो कोई भी होगा, इसमें हर किसी को राहत मिलनी चाहिए, यानी कि पहले बजट से। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं ताल्लुक़ रखता हूँ अपने बिज़नेस से, महंगाई काम कुछ भी नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आवाम से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ये समझे, और उन लोगों से भी जो ये बजट में बात करेंगे आज के हवाले से, मैं यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक, या उन जो इसमें बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सबको चाहे गरीब हो चाहे कोई भी इसमें आ रहा है, उसमें हमको राहत मिलनी चाहिए। आज जो नया बजट लागू हो रहा है, जो 2 बजे आज लागू हो जाएगा, उससे आपकी क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं आप उस बजट से आज के? देखिए, जहाँ तक कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का ताल्लुक है, हमने पहले ही गवर्नमेंट को तजावीज़ पेश की है जो उन्होंने हमसे मांगी थी। तो हम इस वक्त बहुत ही बेताब है कि जो हमने अपना मेमोरेंडम दिया था, वही इंशाल्लाह रहमान उसी की हम कोशिश में है कि वही आगे आ जाएगा। उसमें हमने काफ़ी देर से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, काफ़ी देर से यहाँ पर खुशहाली का फुकदान है, यहाँ बेरोज़गारी का मसला है, यहाँ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का मसला है, यहाँ पर बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसका हमने खासकर देख लीजिए, यहाँ सर्दियों में जो बिजली की प्रॉब्लम है, उसमें हमने रेवेन्यू जनरेशन की बात, नए प्रोजेक्ट्स की बात की थी, उसमें हमने सड़कों की जो प्राइवेटाइजेशन उसकी बात की थी, जिसमें बहुत अप्रिसिएशन मिली हमें हर साइड से। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये तजावीज़ जो वहाँ तक पहुँची है, उनका असर भी उन पर हो जाए, और वो आज उस पर गौर करें और हमारे लिए इतलाक उसका हो जाए। और ख़ासकर एक दो चीज़ें जो तिजारत के हवाले से है, तो उसमें हमने एमनेस्टी मांगी थी, जो पेंडिंग ड्यूज़ है हमारे ऊपर, जिसमें पेनल्टी काफ़ी लगी है, तो उसको एक एमनेस्टी की सूरत में हम चाहते थे। और सबसे बड़ी बात है जो तिजारत की खस्ताहाली है, उसको दूर करने के लिए एक कम्प्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आज हम ज़रूर उसका वो पाएंगे, किसी भी सूरत में वो हम पाएंगे, तो हम बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं।